स्वागत करता हूं मैं आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल लिपिंग क्लासेस में। दोस्तों आज हम बात करेंगे इंटीग्रेशन के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, और ये क्वेश्चंस दोस्तों स्पेशली इसलिए दिए जा रहे हैं आपको कि ये प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज मैंने इसमें मार्क्स भी लिख दिया है कि कितने मार्क्स में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हमारे चैनल पर दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मैथ फिजिक्स इंग्लिश सभी की वीडियोज दी जा रही है। मैं निखिल सर, हमारी लिपिंग क्लासेस की पूरी टीम आपके साथ लगी हुई है। तो आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा प्यार दें दोस्तों, और हमारे वीडियोस के साथ इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें, जिससे कि आपको जितने भी क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं वो आपके एग्जाम्स में आप उसको इजीली सॉल्व कर सकें दोस्तों। तो दोस्तों कहीं भी आप इसको स्किप ना करें, एक एक स्टेप आप देखें और आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। देख चलते हैं दोस्तों अपने पहले क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन 6 मार्क्स में पूछा जाएगा इस बार आपके पेपर में। पूछने की मतलब 100% प्रोबेबिलिटी है, संभावना है। यूपी बोर्ड के, बिहार बोर्ड के लिए मैं एक चीज कहना चाहूंगा, कुछ लोग कह रहे थे कि सर आप इंग्लिश में लिखते हैं हिंदी में लिखते हैं, तो उसलिए मैं कहना चाहूंगा दोस्तों देखिए कॉन्सेप्ट में कोई अंतर नहीं है, चाहे इंग्लिश में लिखें चाहे हिंदी में लिखें। अब इसको हम इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं, ये तो जैसे है एज इट इज रहेगा। मैथमेटिकल टर्म में हम क्या इंग्लिश में कुछ लिख सकते हैं, जितने भी गणित की चीजें हैं उनको हम अंग्रेजी में क्या लिख सकते हैं, कुछ नहीं। यहाँ पे फॉर्मूले सेम है, आप इसको 2 cos x cos y का अगर फॉर्मूला है, जैसे cos x का फॉर्मूला है, तो आप उसको हिंदी में क्या लिखेंगे। तो सूत्र हमारे वही है, तो आप वीडियोज को पूरा देखें। क्वेश्चंस दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मेन लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आपके लिए क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। चलते हैं दोस्तों आज अपने पहले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन मेरा क्या है, cos 4x cos 2x और cos 6x dx, ठीक है, इसका हमें सोल्यूशन करना है। अब देखिए यहाँ पे कॉस के 3 टर्म है, 4x 2x और 6x। तो चलते हैं अपने सोल्यूशन पे, जो हमें दिया पहले उसे हम लिख लेंगे, बी है cos 4x cos 2x cos 6x dx, ठीक दोस्तों। अब देखिए आप दो चीजों को लीजिए, cos 4x को लीजिए और cos 2x को लीजिए, ठीक, और cos 6x को रहने दीजिए वैसी तरह। तो देखिए आप 2 से डिवाइड कर दीजिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसा मैंने क्यों किया दोस्तों, क्योंकि देखिए इसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, हमको इस फॉर्म में इसको लाना ही पड़ेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूला मेरा होता है 2 cos x cos y का, cos x + y + cos x - y, ये मेरा फॉर्मूला होता है दोस्तों। फिर से देख लीजिए, 2 cos x cos y का होता है cos x + y + cos x - y। तो देखिए यहाँ पे 2 cos x cos y, ये देखें ये x हो गया ये y हो गया। आइए दोस्तों देखते हैं, 1/2 cos x + y, 4x + 2x + cos 4x - 2x, और ये cos 6x एट इज बना रहेगा, तो cos 6x + cos 2x cos 6x dx, ठीक है दोस्तों। तो देखिए अब ये cos 6x मेरा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 cos² 6x, और ये cos 6x cos 2x, देखिए। तो अब हमें इंटीग्रेट करना है इसे, तो देखिए हमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। ऐसा मैंने क्यों किया कि मुझे अब ये वाला फॉर्मूला यूज करना है इसमें, cos 2x = 2 cos² x - 1, ये फॉर्मूला हमें यूज करना है, इसी वजह से हमें ये लाना पड़ गया, ठीक है, क्योंकि मेरे पास यही वैल्यू इसकी दी हुई है। देखिए तो 2 cos² x 6x dx + 1/2 1/2, क्यों, क्योंकि इसमें ये इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा, cos 6x और cos, ठीक है, 2x, तो ये मेरा इस तरह से इंटीग्रेट नहीं होगा, तो इसलिए मुझे यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ गया, 2 से डिवाइड करना पड़ गया। अब फिर से हम एक बार वही फॉर्मूला लगाएंगे, 2 cos x cos y, क्या होता है दोस्तों मेरा फॉर्मूला, cos x + y + cos x - y, ठीक। तो देखिए यहाँ पे 2 cos² 6x, अब मैं यहां से इसकी वैल्यू निकालूंगा तो ये मेरे वैल्यू आ जाएगी 1 + cos 12x, ठीक, dx। अब ये हो गया 1/4 cos, फिर देखिए a + b 6x + 2x 8x + 6x - 2x cos 4x, ठीक है। तो देखिए 1/4 हो गया ये, 1 + cos 12x dx, इसको इंटीग्रेट करेंगे अब, और 1/4 cos 8x + cos 4x dx को इंटीग्रेट करेंगे। तो 1/4, 1 का इंटीग्रल क्या होगा, देखिए यहाँ पे dx, तो ये हो गया x, cos 12x का क्या होता है, cos x का क्या होता है दोस्तों, sin x, तो देखिए sin 12x / ये जो नंबर रहता है नीचे आ जाता है 12 + 1/4 cos x cos 8x का क्या आएगा, sin 8x / 8, और cos 4x का क्या आएगा, sin 4x / 4। तो देखिए 1/4 इसमें से भी कॉमन है, 1/4 इसमें से भी कॉमन है, 1/4 को मैंने ऐसे ही लिख दिया, x + 1/12, देखिए 1/12 हो गया sin 12x + 1/8 sin 8x + 1/4 sin 4x + c। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको इस फॉर्म में लिखूंगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, इस फॉर्म में मैं कन्वर्ट करूंगा इसको, जो इस फॉर्म में इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लेगा वो इस क्वेश्चन को बहुत ही इजिली सॉल्व कर लेगा। और हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए दोस्तों, 2 cos x cos y cos x + y + cos x - y, ठीक। ये क्वेश्चन देखिए सीबीएसई बोर्ड में तो कई बार पूछ दिया है, यूपी बोर्ड में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, और बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है दोस्तों, और बाकी अदर बोर्ड्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट। देखिए दोस्तों हमारा जो एपीएन क्लासेस का जो फोकस है वो सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड पे ज्यादा ज्यादा है, क्योंकि इनसे हमारा ज्यादा अटैचमेंट है, और हम चाहते हैं कि इन बच्चों के मार्क्स जो एग्जाम में काफी अच्छे हैं। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये आपको दो तरह से पूछ सकता है, या तो ये आपको 2 मार्क्स में पूछेगा या तो ये आपको 4 मार्क्स में पूछेगा, ठीक है,
ये क्वेश्चन आपके सीबीएसई बोर्ड में कई बार पूछा है और यूपी बोर्ड में भी कई बार ये पूछा जा चुका है। मॉडल पेपर जो क्वेश्चन बैंक आता था वो उसमें उससे मैंने ये क्वेश्चन उठाया है। तो देखिए 1 cos x / 1 cos x, तो देखिए 1 cos x / 1 cos x dx को हम लिख देंगे। चलते हैं दोस्तों इसके नेक्स्ट स्टेप पे। अब देखिए आइडेंटिटीज का यूज करेंगे, कौन सी आइडेंटिटी, cos 2x = 1 - 2 sin² x, cos 2x = 2 cos² x - 1, ये दोनों याद रख लीजिए। मैंने इसको क्या बताया था आप लोग को, हीरो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये क्यों, क्योंकि देखिए इंटीग्रेशन में भी बहुत काम करता है और ये डिफरेंशिएशन में भी बहुत काम करता है। तो कॉस 2x मेरा क्या है, हीरो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। 1 माइनस, अब देखिए मैंने इसको आइडेंटिटी को क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे पहले मेरे पास क्या था, प्लस वन था। 1 - 1 - 2 sin² x / 2, क्योंकि यहाँ पे एंगल हाफ हो गया है, देखिए कॉस एक्स हो जाएगा तो ये एंगल यहाँ भी हाफ हो जाएगा। 1 + 2 cos² x / 2 - 1, ये देखिए इससे कट गया, यहाँ पे देखिए 1 1 इससे कट गया, ठीक। 2 sin² x / 2 + 2 upon 2 cos² x / 2 dx, 2 से मेरा 2 कैंसिल हो गया, तो sin² x / cos² x / 2। साइन बाई कॉस क्या होता है दोस्तों, टेन, तो देखिए यहाँ पे tan² x / 2। अब आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक अपनी वीडियो में, 1 + tan² x = sec² x, इसको मैंने प्रूव भी करवाया था, क्लास 10th के बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, 12th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो tan² x / 2 dx, तो देखिए यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, tan² x को मैं लिख सकता हूँ sec² x - 1, तो देखिए यहाँ पे x/2 है तो यहाँ भी x/2 हो जाएगा, तो sec² x / 2 - 1। sec x का इंटीग्रल क्या होता है दोस्तों, tan x, देखिए tan x by 2 ये हो जाएगा 1/2, माइनस dx का क्या होता है आपका फेवरेट फॉर्मूला x, 2 tan x / 2 - x + c, ये मेरा क्या आ गया दोस्तों, आंसर आ गया। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड में 2008, 2010, 2012, ठीक है, इतना ये पूछा जा चुका है, और एक बार 2015 में पूछा गया था, और सीबीएसई बोर्ड में ये क्वेश्चन 2007 में पूछा गया है, 2009 में और 2014 में पूछा गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बहुत, मैंने इसको इजीली मेथड सॉल्व करवाया हुआ है आपको, ठीक है। तो आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले मैं लिख लूंगा इसमें वी हैव, जो दिया है मुझे sin³x cos³x dx। देखिए अब आप साइन एक्स को तोड़ लीजिए दोस्तों, कैसे, आप साइन एक्स को ऐसे लिख सकते हैं sin³x को, देखिए समझ लीजिए क्या स्टेप, sin x into sin² x, देखिए मैंने यहाँ पे वही चीज लिख दी है, और ये मेरा cos³x ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक। अब मैं sin² x को क्या लिख सकता हूँ, देखिए sin² x + cos² x = 1, तो मेरे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, sin² x मेरा क्या आ जाएगा, 1 - cos² x, ये देखिए मेरा साइन स्क्वायर एक्स की जगह मैं लिख दिया 1 - cos² x, और ये cos³x ऐसे ही रहेगा। चलते हैं दोस्तों उसके नेक्स्ट स्टेप पे। तो देखिए दोस्तों ये मेरा आ जाएगा cos³x - cos² x, ठीक, into cos³x sin x, ये आ गया। अब देखिए ये cos³x और ये मेरा क्या हो जाएगा 3 + 2 cos⁵। अब आप कुछ मत करिए दोस्तों, जो मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया था t रखिए आप, अब आप देखिए t किसको रख सकते हैं आप, अगर आप cos x को t मान लेंगे तो ये कट जाएगा मेरा, यही बस आप काम करिए यहाँ पे, तो ये मेरा t का पावर 3 हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे, और ये t का पावर 5 हो जाएगा। अब देखिए लिखेंगे लेट cos x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों को मैं क्या करूंगा x के रिस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा, तो d/dx of cos x = dt/dx। cos x का क्या होता है दोस्तों, -sin x = dt/dx, dx = -dt/sin x, ठीक। तो देखिए यहाँ पे t^-3/t^5 sin x, ये माइनस यहां ले लिया मैंने, dt/sin x, sin x कैंसिल हो गया, -t^3 - t^5 dt, ठीक। ये देखिए t^5 - t^3 dt, अब आपका फॉर्मूला बताइए आपको x^n dx वाला क्या होता है, x^n+1/(n+1)c n ≠ -1, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी मैं इसको चेंज कर लूंगा, माइनस यहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये t^5 हो जाएगा और ये -t^3, तो देखिए t^5 यहां ले गए, तो t^5 + 1 t^6 / 5 + 1 6, तो देखिए मेरा आ गया 1/6 t^6 - 1/4 t^4 + c, और मेरा t क्या माने माना था, cos x, तो देखिए 1/6 cos x^6 - 1/4 cos x^4, तो देखिए 1/6 cos^6x - 1/4 cos^4x + c, ठीक है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सीबीएसई बोर्ड में कई बार पूछा गया है, यूपी बोर्ड में भी ये क्वेश्चन पूछने की बहुत प्रोबेबिलिटी है, और ये आपके 4 मार्क्स में ही पूछा जाएगा दोस्तों, ठीक है, ना आपके 2 में ना आपके 6 में, ये क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स में ही पूछा जाएगा, और इस साल के सैंपल पेपर में जो यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर आया उसमें ये क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है ये, मैं वही आपको बताने जा रहा हूं। देखिए sin³x cos⁴x dx, अब मुझे जो दिया मैं उसे लिख लूंगा sin³x cos⁴x dx, और मैं आइडेंटिटी का यूज करूंगा। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट स्टेप। देखिए मैं यहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी यूज करूंगा, 2 sin x cos y, और मेरा फॉर्मूला क्या होता है sin x + y + sin x - y, यहाँ पे देखिए 1/2 2 sin³x cos⁴x, क्योंकि देखिए इसको मैं, तो देखिए sin x + y + sin x - y, ठीक है, तो 1/2 2 sin³x cos⁴x dx कर देंगे। अब फॉर्मूला का यूज करेंगे कौन सा,
साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। देखिए यह हमारा एक्स हो गया, हमारा वाई हो गया, साइन थ्री एक्स प्लस साइन प्लस ये देखिए फोर एक्स हो गया। यहाँ पे देखिए वन बाई टू साइन थ्री एक्स माइनस फोर एक्स हो गया, तो देखिए साइन सेवन एक्स आ गया और इससे क्या आ गया साइन माइनस एक्स। और आपको ट्रिग्नोमेट्री में मैंने बताया था साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो देखिए यहाँ पे साइन ऑफ माइनस एक्स क्या हो गया माइनस साइन एक्स हो गया। और वन बाई टू साइन सेवन एक्स डी एक्स माइनस वन बाई टू साइन एक्स डी एक्स, ठीक। साइन एक्स का इंटीग्रल करेंगे तो कॉस एक्स बाई ये देखिए कॉस सेवन एक्स बाई सेवन आ गया इसका इंटीग्रल, और इसका करेंगे तो माइनस से माइनस देखिए मेरा क्या हो गया प्लस हो गया वन बाई टू माइनस कॉस सेवन एक्स अपॉन वन बाई टू से ये तो ये फोर्टीन हो गया, और माइनस वन बाई टू ये देखिए माइनस माइनस तो यहाँ प्लस तो कॉस एक्स बाई टू प्लस सी, ठीक है दोस्तों। तो इसमें मैं सबसे पहले क्या करूंगा टू साइन एक्स कॉस वाई को यूज करूंगा, साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई इस फॉर्मूले का मैं यूज करते हुए इन दो को इस इंटीग्रल को दो पार्ट में तोड़ूंगा। साइन एक्स का इंटीग्रल आपको पता है माइनस कॉस एक्स होता है, देखिए माइनस कॉस सेवन एक्स अपॉन सेवन माइनस हाफ माइनस कॉस ये माइनस से माइनस प्लस हो गया, ये मेरा आंसर आ गया। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें लाइक करके कमेंट करके शेयर करें चैनल को हमारे वीडियोस को, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को टैप करें दोस्तों। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारे चैनल पे कैलकुलस टॉपिक चल रहा है इस समय, निखिल सर आपके कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी लेकर चल रहे हैं, मैं इंटीग्रेशन लेकर चल रहा हूं। अब दोस्तों अगले वीडियो में मिलूंगा आपसे, तब दोस्तों इंटीग्रेशन ऑफ सम स्पेशल फंक्शंस, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू दोस्तों एंड हैव अ प्लीजेंट डे।